ब्रह्मास्त्र। दोस्तों हिंदी सिनेमा के पूरे इतिहास में कुछ इस तरीके की फिल्म नहीं बनी थी। अस्त्र वर्ष था ये, जहां पर हमें अलग अलग अस्त्र, चाहे वो नंदी अस्त्र हो, चाहे वो वानर अस्त्र हो, या फिर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जलास्त्र ले लीजिए, अग्नि अस्त्र ले लीजिए, ये तमाम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म देखने को मिली थी। शाहरुख साहब का कैमियो था, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और 3 पर डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने तोड़ दी है चुप्पी। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, राहुल भोज 1515 मिलिए, वहां पर बातचीत करेंगे। तो भाई ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 यानी कि देव, जिसमें कि हम सबको पता है कि देव जिंदा हो चुका है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में, और उसके बाद वो बदला लेने के लिए पूरी तरीके से आतुर है और वो शिवा से बदला लेना चाहता है, या फिर हो सकता है वो शिवा को साथ कर ले, या व्हाटएवर जो भी मतलब हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बता दूं, तो अब पार्ट 2 पार्ट 3 पर डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने चुप्पी तोड़ डाली है। डायरेक्टर साहब ने फैंस को निराश कर दिया है, और फैंस जो कि वेट कर रहे थे कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, क्योंकि अयान मुखर्जी ने बोलता हम तो 2024 तक लेकर आएंगे, लेकिन 2024 नहीं 2026 और 2027, जी हाँ 2026 और 2027 में ये दोनों फिल्में आने वाली है, पार्ट 2 पार्ट 3 आने वाली है। अयान मुखर्जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला है, और इस फिल्म की डिले होने की, इन दोनों फिल्मों के डिले होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है नन अदर देन वॉर 2, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि अब अयान मुखर्जी सुपर बिजी विद वॉर 2, जो कि ऋतिक रोशन की फिल्म होगी, जो कि स्पाई यूनिवर्स की फिल्म होगी। और ऐसे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो स्पाई यूनिवर्स को अगले साल रिलीज किया जाएगा। इस साल टाइगर 3 आएगी, उसके बाद जाके वॉर 2 आएगी, फिर उसके बाद 2025 में शाहरुख खान सलमान खान यानी कि पठान वर्सेस टाइगर आएगी। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बता दूं, तो यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि जुड़ी हुई है ब्रह्मास्त्र से, और इसके डिले होने की वजह है कि अयान मुखर्जी को रोक कर लिया है यशराज वालों ने अपनी फिल्म के लिए, तो धर्मा उनको छोड़ नहीं रहा था। तो ऐसे में दोस्तों फिल्म को डिले कर दिया है, 25 और 26 का टाइम दे दिया है, 26 और 27 का सॉरी टाइम दे दिया है। तो ब्रह्मास्त्र जो है वो रिलीज होगी पार्ट 2 यानी कि देव 2025-2026 में, और उसके बाद 2027 में रिलीज होगी पार्ट 3 मतलब। और प्लस अयान मुखर्जी ने ये भी बोला है कि हम जो है साइमल्टेनियसली शूट करेंगे, यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो 24 में ये लोग रिलीज कर देंगे, फिर 24 से लेकर 25-26 तक ये शूट कर रहे रहेंगे, शूट भी करेंगे, रिलीज भी करेंगे, शूट भी करेंगे, रिलीज भी करेंगे, इस तरीके से इनका कार्यक्रम होगा। सो मेरा काम है आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताना, आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।